नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टी न्यूज। मैं आपके साथ हूं पंकज कुमार। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र के अंतर्गत गौशालाओं में अव्यवस्था का लगाम बा, जबकि उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार इस पर रोकथाम लगाने में अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। योगी सरकार द्वारा संचालित गौशाला जहां पर बेजुबान जानवरों को सड़क पर घूमते पाए जाने पर गौशाला में रखा जाता है, लेकिन गौशाला में पहुँच की मीडिया टीम ने जब मौके पर जाकर जानकारी ली और जायजा लिया, जानवरों की हालत बद से बदतर होती नजर आई। आपको बताते चले, पूरा मामला मितौली विकास खंड के ग्राम पंचायत तेंदुआ लोहाना में बनी गौशाला का सामने आया है, जहां पर एक समाज सेवी ने बताया बेसहारा पशु मरते रहते हैं और पशुओं की हालत खराब होती चली जा रही है। यहां के खंड विकास अधिकारी सिर्फ दिखावे में काम और पीछे कुछ और करने में लगे रहते हैं, जबकि गौशाला में बेजुबान पशु मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जहां सरकार का सख्त आदेश है कि मृत पशुओं को दफनाया जाए, लेकिन यहाँ मृत पशु खुलेआम पड़े हैं जिन्हें कौवे नोच नोच कर खाते नजर आए। अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा या यूं ही बेजुबान पशुओं की मृत्यु होती रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता भारत टी न्यूज से क्राइम ब्यूरो कमलेश कुमार की खास रिपोर्ट। अच्छा, गौशाला में कितनी गाय जानवर हैं टोटल? पौने 400। अच्छा, 450 हैं। मौके पे कितनी हैं? मौके पे हैं 500 लोग। लमसम गिनी नहीं है आपकी? लेकिन परसों हुई थी 375 हैं। अच्छा, तो कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ? यहाँ पे होगा 7-8 स्टाफ। चारे की व्यवस्था क्या है? चारे की व्यवस्था भूसा है इस समय। कितने टाइम भूसा देते हो? दो टाइम, सुबह शाम।